बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सर्दी की मनपसंद सबकी डिश है जो, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ आलू के पराठे, जो सर्दी में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि सर्दी में आलू भी नए होते हैं और ये गर्मा गर्म बनाए तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने ले लिए हैं आलू यहाँ पर, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लिए हैं, मैंने छोटे आलू लिए हैं। तो ये जल्दी से बस झटपट बॉयल हो गए थे और उसके साथ ले लिया है मैंने यहाँ धनिया मिर्चे ले लिए इसके अंदर ऐड करने के लिए। और यहाँ पे हमने पहले से रेडी करके रख लिया है आटा, जिसको मैंने गून लिया था, और ये है मसाले। तो सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं। यहाँ हम आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से मैंने आलू मैश कर लिए, अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ आलू मैश हो गए, अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1/2 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक हम ऐड कर सकते हैं, और ये है ब्लैक पेपर, ये भी 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून ऐड कर लें, और कुटी मिर्चें 1/2 टेबल स्पून। और ये है भुना ज़ीरा। ज़ीरा इसका टेस्ट आएगा, भुने और कुटे ज़ीरे से इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा। अब हम धनिया काट के डाल लेते हैं। यहाँ मैं हरी मिर्चें काट लेती हूँ बारीक बारीक से। यहाँ मैंने 2 मिर्चें ले ली हैं, जिसको मैंने बारीक काट ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई कम मिर्चें खाता है कोई ज़्यादा, तो यहाँ पे मैंने 2 ऐड करी हैं। मिर्चें यहाँ मैंने कट कर ली, अब हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसका मसाला कितना मज़ेदार लग रहा है, तो आप लोग भी सर्दियों में ज़रूर ट्राई करिएगा ये पराठे मज़ेदार से, जो बहुत जल्दी से रेडी हो जाते हैं। ये मैंने मसाला अच्छे से रेडी कर लिया है, अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ सबसे पहले चटनी की तैयारी, जो मैं बना रही हूँ हरी चटनी। तो इसके लिए मैं पहले काट लेती हूँ धनिया। अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का जवा। अब मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी।
और साथ में इसके सॉल्ट। अब हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। यहाँ हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब हम अपने पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है नॉर्मल आटा जो हम रोटी के लिए लेते हैं। यहाँ मैंने इतना बड़ा पेड़ा रेडी कर लिया। अब इसमें मैं आलू का मसाला डालती हूँ। यहाँ देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ तवा गरम हो गया। मैंने पराठा डाल दिया। अब हम इसमें घी डाल देंगे। यहाँ पराठा रेडी हो गया है। यहाँ मैं दूसरे पराठे भी ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ हो गया असर की नमाज अजान का टाइम।
यहाँ दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। यहाँ मज़ेदार से पराठे रेडी हो गए हैं और ये साथ में इसकी चटनी और हमने यहाँ चाय भी रेडी कर ली है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, सर्दी के मौसम में पराठे बहुत मज़ेदार लगते हैं और बहुत जल्दी से रेडी हो जाते हैं। ये तो थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।